सीसीएमए का कोर्स का फीस जोड़ो 15,000 रुपया, एमसीसी का 20,000 रुपया, आप पीएचपी का जोड़ो 15,000 रुपया, एडवांस जावा का जोड़ो, जेटूरी का जोड़ो, जीएसपी का जोड़ो, आप फीस जोड़ो, क्या कहते हैं ASP.NET का जोड़ो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जोड़ो, ब्लॉकचेन का जोड़ो, क्लाउड कंप्यूटिंग का जोड़ो, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का जोड़ो, आप एडवांस वेब डेवलपमेंट का जोड़ो, आप जब सब चीज का फीस जोड़ोगे तो मालूम पड़ेगा सीमेंस की फीस से ज्यादा सिर्फ वही चीज उन चीजों की फीस हो गए जो हम लोग कोर्स में वो करवा रहे हैं जो कि बीसीए के कोर्स में नहीं है, जो बीबीए के कोर्स में नहीं है। सीमेंस में एडमिशन तभी लेना जब डेली 6 घंटे की क्लास करने को तैयार हो। अब पढ़ाई का क्या मोड होना चाहिए, किस तरीके से आप करियर की तैयारी करें, इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर। मेरे मित्र नीरज पुद्दार जो आपको बता रहे थे, मैं वही से बात को आगे ले जाऊंगा। ये जो जितना मैंने सुना, थोड़ा सा मैंने सुना कि कोई छात्र शायद जो सीखने की इच्छा रखता है उसकी बात ये कर रहे थे। मेरा मानना है कि रेस हमेशा कछुआ जीतता है, कछुआ हमेशा रेस जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंट रहता है। तो मैंने देखा है इस चीज को कि हमारे यहाँ पर जो गांव से बच्चे आते हैं या जो हिंदी माध्यम के स्कूल के बच्चे आते हैं, अगर उनके अंदर में सीखने की ललक है, अगर उनके अंदर में कुछ करने का जज्बा है, भले उनको पहले वो वातावरण नहीं मिला, वो शिक्षक नहीं मिले, अनुशासन नहीं मिला, उस तरह का प्रशिक्षण नहीं मिला, लेकिन जब उनको ये रिसोर्सेज मिलते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, अपना परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, और जहां पर सब साधन है, जहां सब सुविधा है, वहां परिश्रम नहीं है, और जहां साधन का अभाव है, जहां सुविधा का अभाव है, वहां परिश्रम करने की पूरी इच्छा है, और वहां खूब परिश्रम हो रहा है। चीजों के बारोगे स्ट्रेट क्लासरूम में, हमेशा आपको क्लासरूम की तरह बैठना चाहिए। आप में से कोई यदि शारीरिक रूप से कमजोर है, यदि कोई आप में से ऐसा है जिसको कि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, झुकी रहती है, उसके लिए हम एक्सेप्शन दे सकते हैं। अन्यथा युवावस्था में आप हैं, आपको जब सीधी बैठते हैं, आप सीधा होकर बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, तब अटेंशन मोड में होते हैं आप। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तन के आर्मी के जवान की तरह बैठे, लेकिन आर्मी का जवान को वैसे क्यों बैठाया जाता है, क्यों आर्मी के जवान को ऐसे बैठने के लिए अलाउ नहीं कर दिया जाता है? कभी देखा कि आर्मी के किसी ट्रेनिंग हो रही हो, आर्मी का जवान ऐसे बैठा हुआ हो? क्यों? क्योंकि उसे अटेंशन मोड में रहना सीखना है। जब आप क्लासरूम में है तो रिलैक्स मोड में रहना होगा, टेंशन मोड में रहना होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ऑब्जर्वेशन अटेंशन मोड में ज्यादा होगा कि रिलैक्स मोड में ज्यादा होगा? रेडी माय पॉइंट? तो यू ऑलवेज आप बैठ जाइएगा। आप क्या नाम है आपका? राहुल जी। तो ये तुम्हारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है जब तुम कॉलेज स्कूल से निकल के कॉलेज में आ रहे हो। यस और नो? तुम्हारे पास ये विकल्प है कि तुम ग्रेजुएशन अगर एक बार में सही से ना कर पाओ तो दूसरी बार में दोबारा से कर लो। यस और नो? कोई बात नहीं सर, ठीक से नहीं हुआ दोबारा कर लेंगे। जीवन में कितनी बार करेंगे? हाँ, क्लियर है। पिताजी का कोई इलाज कराना हो, मां का इलाज कराना हो, कोई ऑपरेशन कराना हो जिसमें कि जान का खतरा हो, घर में किसी सदस्य का इलाज कराना हो जिसमें कि बहुत क्रूशियल हो, क्या वो इलाज हम सबसे सस्ते अस्पताल में, सबसे ऐसे डॉक्टर में जहां पर आधा केस खराब हो जाता हो, वहां कराएंगे? जिस कॉलेज में आधे बच्चों को जॉब नहीं मिलता हो, कुछ लोग तो बोलते हैं आधे से भी ज्यादा, मतलब कि 3 में से 1 को मिलेगा, क्या ऐसे किसी कॉलेज में आपके लिए जाना सही रहेगा? जहां पहले से ही पता है कि 50% ही चांस है सक्सेस का, जहां 50% चांस हो बचने का, वहां इलाज कराओगे? नहीं, मेरा लाइफ रिस्क लेने के लिए नहीं है। तुम्हारे ग्रेजुएशन का तुम्हारे लाइफ पे असर है कि नहीं है? कितना? अगर ये खराब हो गया तो लाइफ अच्छा होने का चांस कितना है? अगर ये बढ़िया हो गया
तो लाइफ के बढ़िया हो जाने का कितना चांस है। यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज वेरी क्रूशियल। और तुम लोग में से कई से लोग ऐसे हो जो कि बहुत पाप करके आए। पाप करके आयो का मतलब है कि जो काम जिस समय पे करना था वो काम उस समय पे नहीं कर पाए। योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड हैव इंप्रूव्ड टिल नाउ। देयर आर स्टूडेंट्स इन क्लास 4, 5, 6 एंड 7 हु आर एबल टू स्पीक मच बेटर इंग्लिश देन यू। यस और नो? यू हैव ऑलरेडी पास्ड योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, योर 12th एग्जामिनेशन। बट देन इवन दो यू हैव स्टडीड इंग्लिश मोर देन हिंदी, यस और नो? ज्यादा इंग्लिश पढ़े कि ज्यादा हिंदी पढ़े? ज्यादा इंग्लिश पढ़े, ज्यादा इंग्लिश ग्रामर पढ़े, हिंदी व्याकरण कम पढ़े? नहीं पढ़े तो ऐसा कैसे क्यों कह रहा है? पढ़ना तो पढ़ा होगा, हाँ, लेकिन कम पढ़ना होगा। व्याकरण कम पढ़ा, ग्रामर ज्यादा पढ़ा। इवन दो यू हैव स्टडीड इंग्लिश ग्रामर मोर देन हिंदी व्याकरण स्टिल, एंड इवन दो यू हैव स्टडीड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज ए पेपर more than Hindi, still when it comes to using English language, whether in terms of speaking, whether in terms of writing, whether in terms of understanding, you face difficulties, you face problem in it. Yes or no? Yes. You're not comfortable the way you are comfortable in your mother tongue, the way you are comfortable in Hindi language. Why is it so? You have qualified examination in English. If you have qualified 12th, it means that you have qualified the paper of English language. It was there in your 12th. Yes or no? So even though you have qualified the subject, you may have the knowledge. I'm not saying that you have qualified through unfair means, which maybe somebody of you must have done it. तुम लोग में से कोई ऐसा होगा जो कदाचार के साथ परीक्षा पास किया होगा, लेकिन अधिकांश जो है वो हो सकता है पढ़ के पास किए होंगे, लेकिन पढ़ करके ज्ञान ले करके इंग्लिश का परीक्षा पास करने के बावजूद स्थिति ये है कि इंग्लिश में बोलने में आपको असुविधा है। Yes or no? क्या इसी तरीके से पढ़ करके बीसीए करना है, बीएससीआईटी करना है, बीबीए करना है, जहां आपको परीक्षा पास हो जाए, ज्ञान मिल जाए, लेकिन आप कोई काम नहीं कर पाओ, जैसे आप इंग्लिश में काम नहीं कर पा रहे हो? मेरी बात पहुंच पा रही है आप तक? देयर आर स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इन बीसीए प्रोग्राम, इन बीएससीआईटी प्रोग्राम, in BTech course, in BSc CS course, they somehow get the degree. किसी तरीके से उनको डिग्री मिल जाती है, लेकिन उनसे एक सॉफ्टवेयर नहीं बनता है, एप्लीकेशन नहीं बनता है, ढंग से वेबसाइट्स नहीं बनता है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाए, वेबसाइट्स नहीं बनाए, एप्स नहीं बनाए, रोबोटिक्स डिजाइन नहीं करे, अगर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता हो, अगर उनको ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं आता हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं आता हो, तो वो किस प्रकार से आईटी सेक्टर में काम कर पाएंगे? आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, किस लिए पढ़ाई कर रहे थे? नॉलेज लेने के लिए। आपके किताबों में कई बार ऐसा होता था कि लास्ट का कोई 4-5 चैप्टर ऐसा होता था जिसकी एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस के बाहर है। उस चैप्टर को पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। क्यों? उसमें नॉलेज नहीं होगा? होगा, लेकिन आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे थे। आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए पढ़ रहे थे? एग्जाम पास। अभी विश्वविद्यालय जो बिहार में जो भी है, हम तो सरकार के विश्वविद्यालय के तहत हमारा कॉलेज है। विश्वविद्यालय का सिलेबस 1996 में बना, बीसीए का सिलेबस, बीएससीआईटी का सिलेबस थोड़ा एडवांस है, 2012 में बना। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का सिलेबस थोड़ा एडवांस है, बाद में बना। लेकिन जो सिलेबस विश्वविद्यालय का बना 1996 में, 2012 में, क्या वो सिलेबस आज 2023 में इंडस्ट्री की जरूरत को पूरा कर सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप नहीं जानेंगे, आप क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं जानेंगे, आप पीएचपी नहीं जानेंगे, आप वेब डेवलपमेंट नहीं जानेंगे, ड्रुपल नहीं जानेंगे, क्या इथिकल हैकिंग नहीं जानेंगे, इंडस्ट्री वाले आपके वैल्यू करेंगे? जो लोग जान रहा है उसको जॉब देगा कि जो नहीं जान रहा है, जो 96 का पढ़ के आया उसको 2023 में जॉब मिले? 96 में आपकी एज कितनी थी? माइनस में। तो वो सिलेबस पढ़कर और एग्जाम पास करने के लिए क्या पढ़ना होगा? सिर्फ वही सिलेबस,
जो चार चैप्टर सिलेबस में नहीं होता पढ़ते नहीं हो, और हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं जो सिलेबस में नहीं है। आप समझ रहे बात को? ब्लॉकचेन सिलेबस में नहीं है, क्रिप्टो लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एमसीएसई सिलेबस में नहीं है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, रेड हैट लिनक्स का कोर्स, ये सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड है, इसमें जॉब है। इसके स्किल के बदले में लोगों को जॉब मिलता है, क्योंकि अरे आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये प्रोफाइल है कैंडिडेट का। 10 लोग रिज्यूम जमा कर रहे हैं, तुम्हारे रिज्यूम में दिख रहा है कि ये नॉलेज है इसके पास। इसका मतलब है जब ये एप्लीकेशन बनाएगा, साइबर सिक्योरिटी का भी इसको पता है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी इसको पता है, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग भी पता है। आप समझ रहे बात को? और क्या आज के जमाने में जिस तरह का भी जो टेक्नोलॉजी क्रांति आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ बच रहा है? अभी मैं देख रहा था सोले का AI वर्जन आ गया है। अच्छा। तो अब तो AI जो है वो सब कुछ बदल दे रहा है, है? तो अब आपको AI का जब कंपटीशन आपका किससे हो गया सीधा, अब प्रोग्रामिंग का जॉब आपसे कोई कंपनी करवाएगी कि AI से करवा लेगी? तो आपको किससे ज्यादा स्मार्ट होना होगा? जैसे वो चेस के गेम में कंप्यूटर को हराने वाला ही चेस चैंपियन, और कंप्यूटर 1 सेकेंड में 10 लाख चाल सोच लेता है, लेकिन फिर भी इंसान ऐसा है जो कंप्यूटर को हरा देता है, क्योंकि इंसान वो चाल सोचता है जो कंप्यूटर में आज तक फिट हुआ नहीं है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, तभी तो हरा पा रहा है, नहीं तो अगर वही चाल सोचेगा जो कंप्यूटर सोच रहा है तब तो आप उसको कभी भी नहीं हरा पाइएगा। इंसान तो बनाया है कंप्यूटर को, लेकिन आज दुनिया के सामने स्थिति यह है कि AI एक खतरा के रूप में सबके सामने है, कि लोग जॉब को देंगे, और वहीं पर और कुछ लोग आएंगे जो AI डिजाइन करके बहुत जगहों पे एंट्री कर लेंगे, बहुत सारे जगहों पे उनको AI डिजाइनर के रूप में जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ने के लिए आए हैं, और वो भी अगर मैं बोलूं कि बिहार के विश्वविद्यालयों में चोरी करके लोग एग्जाम पास कर जाते हैं, अगर आपको चोरी करके एग्जाम पास करना हो तो फिर सिमेज में आने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आपसे क्लास नहीं होता हो, अटेंडेंस नहीं होता हो, कई छात्र ऐसे हैं जो कि साफ बता देते हैं कभी कभी कि सर इतना दिन तो क्लास कभी स्कूल में नहीं किए तो कॉलेज में कैसे करेंगे, मत आओ यहां क्लास करना पड़ेगा। हम एक संकल्प को लेकर के, एक विजन को लेकर के अपना एक प्रकल्प खड़ा कर रहे हैं, और उसको हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। ये छोटी सी बिल्डिंग से हम वो प्लेसमेंट दे रहे हैं जहां पर IIT का बच्चा जा रहा है। मेरा स्टूडेंट आज कैपजेमिनी में, कॉग्निजेंट में, एसेंचर में, IBM में, एमडॉक्स में है, रैकस्पेस में है, इंटेल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, रैकस्पेस में, लंदन में मेरे बच्चों को 1 करोड़ 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। राहुल है, निशी है, समीक्षा को $85,000 का पैकेज मिल रहा है US में विप्रो में, जहां उसको अपने विप्रो में जॉब लगवाया था। सूरज प्रकाश सिडनी में है, कॉग्निजेंट में है, क्या नाम है उसका, चंद्र प्रकाश। पूरे दुनिया में बच्चे फैल गए, इंडिया में हमारे बच्चे आर्किया में, वो जो है क्या नाम है उसका, अनिल सरस्वती, उसको 50 लाख का कैश पैकेज मिल रहा है। ESOP लेकर, ESOP मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, शेयर जो मिलता है कंपनी में, वो लेकर के उसका 92 लाख का पैकेज है। तो पटना के बच्चों को हम कहां कहां तक पहुंचा दिए, हम क्यों नहीं उससे आगे का सोचे जब संभव हो रहा है? हम उससे पीछे जाने को तैयार होंगे क्या? कोई भी आदमी लाइफ में पीछे जाना चाहता है क्या? और नहीं सब, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कुम्हार के रूप में देखता हूं। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी लाता है ना, उसके पास मिट्टी आती है, और मिट्टी रुखड़ी होती है, कड़ी होती है, उसमें खर पतवार होता है, वो क्या करता है, सबको छाटता है, निकालता है, रौंदता है, पानी में उसको गीला करता है, सानता है। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जिस मिट्टी को सान रहा है उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन तभी वो मिट्टी मुलायम हो रही है, वो ऐसी मुलायम हो रही कि फिर उसको चाक पे डालता है तो कोई आकार वो लेती है, और जब वो आकार लेता है फिर उसको धूप में सुखाता है, आग में तपाता है, जलाता है, और उसके बाद फिर उसको ठोकता है, बजाता है, देखता है, फिर लास्ट में पानी डालकर एग्जाम लेता है कि सब कुछ सही बना कि नहीं बना। तो तुम तो मेरा बर्तन हो जिसको हमको बनाना है, और ग्राहक वो कंपनी वाले हैं जो बर्तन अच्छा देख करके आएंगे कि भाई बिहार में इतने अच्छे बच्चे मिल रहे हैं तो हम लोगों को बैंगलोर में और पुणे में जरूरत। और अच्छी बात ये हुई, कोविड हुआ, बहुत दिक्कत हुआ, एक फायदा कोविड का ये हो गया कि अब सारी कंपनियां ऑनलाइन इंटरव्यू ले रही है। पहले
बैंगलोर में इंटरव्यू होता था, पुणे में इंटरव्यू होता था, तो बच्चे जाते थे कि वहीं पर कंपनी है, वहीं पर इंटरव्यू होगा। अब सब इंटरव्यू क्या हो गया, ऑनलाइन। तो मेरा बच्चा भी ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा है। अब सब कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर सब में बच्चों को जो है, इंफोसिस सब में हमारे बच्चों को कैंपस में ऑनलाइन इंटरव्यू देकर जॉब मिल जा रहा है। तो अब हमारे लिए सारे दरवाजे खुल गए। जो बिहार का एक डिसएडवांटेज था कि यहाँ पर कंपनी को बुला, विप्रो हमारे यहाँ पहले बैच से आ रही है, टीसीएस पहले बैच से आ रही है, 2012 से आ रही है। पहला बैच 2012 में पास आउट हुआ था, 6-6 बार आई, 2018 में 6 बार आई, 2018 में 19 में कई बार आई। तो लेकिन अब ऑनलाइन ले रही है, ऑनलाइन। तो अब उस साल में हमारे यहाँ 15 बार इंटरव्यू का राउंड चल जाता है, जब जब बच्चा अप्लाई करता है इंटरव्यू दे देता है। हाँ, अगर बिना तैयारी के अप्लाई करोगे तो 3 महीना के लिए डिबार हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम बच्चों को बिना तैयारी के अप्लाई करने देते नहीं है, तैयारी करवाते हैं। विप्रो के एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, टीसीएस के एग्जाम की तैयारी कराएंगे, एनक्यूटी की तैयारी होगी, WILP की तैयारी होगी। तो ये सब चीज करना पड़ेगा। बिना घसे चमक नहीं आता है, रगड़े बिना किसी चीज में चमक नहीं आता है, आता है क्या? किसी भी चीज को चमकाना हो, चाहे हीरा हो चाहे सोना हो, उसको पहले आपको घसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, फालतू उसमें जो हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? हीरा का रॉ देखोगे तो कोयला की तरह लगेगा, उसी कोयला का जो रॉ जैसा होता है, उसको जब पूरा घस के फालतू हटा के चमकाते हैं तो हीरा का वो कोहिनूर बन जाता है। तो तुमको बहुत कुछ ऐसा हटाना पड़ेगा। प्लस जब मैं ये बोल रहा हूं कि इतनी सारी चीजें करानी पड़ेगी, इतने सारे कोर्सेस करने, जैसे यहाँ पर जो बीबीए वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको अकाउंटिंग पढ़नी है लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, आपको ईआरपी भी आना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ई कॉमर्स का कोर्स करना पड़ेगा, रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा, आपको कोर्स करना पड़ेगा बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए BFSI का कोर्स करना पड़ेगा, आपको हमारे यहाँ पे कोर्स करना पड़ेगा हॉस्पिटैलिटी और एविएशन सेक्टर के लिए, जो ICST का ट्रेन सर कराते हैं वो कोर्स करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टैक्सेशन का कोर्स करना पड़ेगा, GST का कोर्स करना पड़ेगा, पेरोल मैनेजमेंट का, HR का, और ये जो PF ESI का, लेबर लॉ ग्रेच्युटी और उसका ESI का जो कोर्स होता है वो करना पड़ेगा आपको। ये सब सिलेबस में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी के बल पर कोई भी कंपनी में जाएंगे तो बोलेगा कि कॉलेज वाला सिखा के भेजा है। जब GST का रिटर्न फाइल करना आएगा तब आपकी वैल्यू होगी। कितने लोग ऐसे हैं आपके परिवार में जो लोग बिजनेस चला रहे हैं, उनसे भी GST का रिटर्न खुद से फाइल नहीं हो पा रहा है, आना चाहिए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना आना चाहिए। अगर हम अपने बीबीए के स्टूडेंट को इस चीज सिखा दे तो उसकी वैल्यू है कि नहीं? लेकिन ये सारा कुछ कराने के लिए बहुत समय लगेगा। पहले तो आपका इंग्लिश इंप्रूव कराने के लिए बहुत समय लगेगा। तो आप अगर ये सोच के आ रहे हो कि किसी नॉर्मल कॉलेज में जैसे 2 घंटे की पढ़ाई होती है, 3 घंटे की पढ़ाई होती है, जैसे वहां पर गर्मी का 2 महीने का छुट्टी होता है समर वेकेशन, जैसे वहां पर जाड़े की छुट्टी होती है रामनवमी में और शिवरात्रि में, मुहर्रम में और शबे बारात में और गुरु नानक जयंती में और ईस्टर में और गुड फ्राइडे में और कबीर जयंती में, हाँ, अंबेडकर जयंती में छुट्टी होती है ना सब में? हम नहीं देते हैं छुट्टी। गांधी जयंती में भी छुट्टी नहीं देते हैं। गांधी जी का पिक्चर दिखाएंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, देश की बात करेंगे। मेरा एक एक दिन जो है वो क्या है, हाँ, महत्वपूर्ण है, कॉस्टली है। तुम लोग पीछे बहुत दिन बर्बाद करके आए हो, बहुत दिन बर्बाद करके आए हो। मेरे पास समय बहुत कम है, साल में से 52 दिन निकल जाता है रविवार का, 365 दिन में 52 दिन माइनस हो गया। उसके बाद तुम दिन माइनस करो जो एग्जाम विश्वविद्यालय लेगा उसका माइनस हो जाएगा। फिर कुछ त्यौहार ऐसे हैं जहां पे छुट्टी देते ही हैं, मान लो दुर्गा पूजा पे देंगे, दिवाली पे देंगे, ईद पे देंगे, कहीं कभी कभी छुट्टी हम लोग देते भी, ऐसा तो नहीं कि दम नहीं देते हैं, छुट्टियां होगी कुछ कुछ, थोड़ी कम होगी। ये नहीं सोचना कि दिवाली से लेकर के छठ तक लगातार छुट्टी करते रहोगे, हाँ नहीं होगा हमारे यहाँ, नहीं होता यहाँ पर। अगर वो ऐसा छुट्टी करना है, पैसा दे के भी छुट्टी करना है तो फिर कहीं और जाओ, यहां नहीं, यहां आने की जरूरत नहीं। छुट्टी खरीदना है तो वैसे कॉलेज है ना जहां पर साल में 2 बार जाते हैं, एक बार फॉर्म भरने के लिए, एक बार एडमिट कार्ड लेने के लिए, वैसा डिग्री ले लो, घर पे मढ़ा के लगा लो, उससे तुम्हारे लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। बिहार में 4 करोड़ नौजवान है, ज्यादातर बेरोजगार है। एक तुम बढ़ जाओगे तो उसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा? जो अच्छा जॉब पाना, अच्छे लाइफ में पहुंच जाना, अच्छे कंपनी में, अच्छे शहर में पहुंच जाना, ये टास्क है। बेरोजगार की भीड़ में शामिल होने के लिए तुम रेडीमेड हो, उसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तुमको अभी लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, आज 1,000 की वैकेंसी आती है, 10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, जॉब कितने को मिलती है और कितने को नहीं मिलती है?
9,99,000 को, समझ रहे बात को। तो इसलिए अगर आप हमारे यहां पर प्रतिदिन की क्लासेस और वो भी 6 घंटे की क्लासेस, अब कोई बोलता है कि सर आप 6 घंटा आपकी, मैं अपनी अगर कोर्स को 3 घंटा कर दूं तो मेरी फीस भी आधी हो जाएगी। जो भी हमारे सिविल्स की फीस है उस फीस में कॉस्ट किस चीज का आपसे लिया जाता है, क्लासेस का? यस और नो? हमारा कॉस्ट किस चीज में आता है? क्लासेस में, फैकल्टी में, क्लासरूम्स में, पावर में, एयर कंडीशनिंग में, स्पेस में। अगर हम 3 घंटे की क्लास चलाएंगे तो उसी स्पेस में डबल क्लास चला लेंगे, ट्रिपल क्लास चला लेंगे, 4 बार क्लास चला लेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हमको वो काम नहीं करना है, हमको बच्चों को तैयार करना है इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार। इसलिए हमारे यहां पे 6 घंटे की पढ़ाई होगी, जिनको 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब कोई बोल रहा है कि ये चाय जो है 10 रुपए की है और ये चाय जो है 15 रुपए की है, लेकिन ये कब बड़ा है, ये कब छोटा है? हो सकता है इसमें क्वार्टर उसके चौथाई भी चाय नहीं हो ये, लेकिन 10 रुपए में सस्ता लग रहा है ये 15 रुपए में, लेकिन एक्चुअल में क्या है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आप CCMA का कोर्स का फीस जोड़ो 15,000 रुपए, MCSE का 20,000 रुपया, आप PHP का जोड़ो 15,000 रुपए, एडवांस जावा का जोड़ो, JTuri का जोड़ो, JSP का जोड़ो, आप फीस जोड़ो, क्या कहते हैं, ASP.NET का जोड़ो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जोड़ो, ब्लॉकचेन का जोड़ो, क्लाउड कंप्यूटिंग का जोड़ो, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का जोड़ो, आप एडवांस वेब डेवलपमेंट का जोड़ो, आप जब सब चीज का फीस जोड़ोगे तो मालूम पड़ेगा सीमेंस की फीस से ज्यादा सिर्फ वही चीज उन चीजों की फीस हो गए जो हम लोग कोर्स में वो करवा रहे हैं, जो कि BCA के कोर्स में नहीं है, जो BBA के कोर्स में नहीं है। लेकिन हम क्या करें, कोर्स पुराना है, वो हमको पढ़ाना होगा, उसका एग्जाम होगा, और वो बेकार चीज नहीं है उस कोर्स में। उस कोर्स में जो है उसको मैं कहता हूं ABCD, ABCD चाहिए कि नहीं चाहिए, ग्रामर चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन क्या ABCD और ग्रामर से काम चल जाएगा कि आपको कहानी लिखनी होगी, आपको उपन्यास लिखना होगा, कविता लिखनी होगी? तो कहानी, उपन्यास, कविता आगे की चीज है और ABCD और ग्रामर क्या है, शुरुआत की चीज है। तो सिर्फ ABCD से काम नहीं चलेगा, लेकिन ABCD के बिना भी काम नहीं चलेगा। बच्चे को छोटे बैग से, प्लास्टिक के बैग से खिलाते हैं ना, वो भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्लास्टिक के बैग से बैटिंग करके आप क्रिकेटर नहीं बन सकते हो। तो वो जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो क्या है, प्लास्टिक का बैग, उससे बैटिंग करके आप क्रिकेटर नहीं बन सकते हो। आपको आज के हिसाब से खेलना होगा, आज के हिसाब से आपको चीजों को सीखना होगा। तो ये कंसेप्ट दिमाग में तुम लोग को मैं डाल रहा हूं, इसलिए डाल रहा हूं कि मेरे पास जब हर सप्ताह इतने बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वो बच्चे अपने करियर को लेकर के कंसेप्ट ले, अगर वो ये सोच के आ रहे हैं कि डिग्री मिल जाएगा उद्धार हो जाएगा, तो गलत कंसेप्ट है। नहीं हो रहा है डिग्री से किसी का उद्धार। 50,000 बच्चा बिहार में डिग्री लेता है BCA का, BSc IT का, BBA का, कहां होता है उन लोग का उद्धार? क्या 50,000 लोग को जॉब मिल रहा है हर साल? नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, बिहार के बाहर नहीं मिल रहा है। बीटेक कर रहे लोग उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अभी ये साल तो इतना कठिन साल था 2023, इस साल तो IT सेक्टर में इतना बहुत कठिनाई था, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट ठीक से नहीं हो पाया, उसके बावजूद सिमेज में बच्चों को जो है अच्छा जॉब मिल गया। अगर आप तैयारी करेंगे तो आप टफ से टफ टाइम में भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हो तब सिमेज में आइए, अन्यथा सिर्फ डिग्री लेना है तो आप आज एग्जाम देने आ गए हो, देना चाहते हो दे दो, बिना देना चाहे निकलना चाहते हो बिना दे चाहे निकल जाओ, लेकिन सिमेज में एडमिशन तभी लेना जब डेली 6 घंटे की क्लास करने को तैयार हो। आई होप मेरा मैसेज तुम्हें सब तक पहुंच गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।